तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने फाइनली बहुत ही ज़्यादा कोशिश के बाद अपना फेस रिवील कर दिया है, और आज के बाद मैं कुछ ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि अगर आप लगातार देखते रहते हो एक ही ड्राइंग को 5-6 मिनट तक, तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो आज एक्चुअली मैं बनाने वाला हूँ ये थॉर का पोर्ट्रेट, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, और मैं पूरी ही पूरी कोशिश करूँगा कि ये बिल्कुल रियलिस्टिक बने। सो बिना टाइम वेस्ट करे, लेट्स गेट स्ट्रेट इन द वीडियो। तो ये जो पोर्ट्रेट है, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आईज़ बनाने से, क्योंकि आईज़ मेन पार्ट होता है और उनको बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप बाकी पार्ट बना लोगे और उसके बाद आईज़ बनाओगे तो आपकी सारी शेडिंग वगैरह सब कुछ बिगड़ जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आईज़ ही आप सबसे पहले बनाओ अपनी ड्राॅइंग में। तो यहाँ पर मैंने राइट वाली आई पहले बना ली, जो तो इससे मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई, मेरे को पहले लेफ़्ट आई बनानी चाहिए थी। तो अब मेरे को यहाँ पर नैपकिन रखना पड़ेगा ताकि वो आई ख़राब ना हो जाए। अगर आप लेफ्टी हैं तो आप पहले राइट आई बनाइए, और अगर आप राइटी हैं तो आप पहले लेफ़्ट आई बनाइए, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आता है फोरहेड पर मैं हल्की सी शेडिंग करूँगा 4H पेंसिल से, और उसके बाद मैं उसको टिश्यू पेपर से ब्लेंड करूँगा, क्योंकि पेपर स्टम से बहुत ही ज़्यादा बेकार शेडिंग होती है। एक तो वो डार्क भी होती है और साथ में वहाँ पर बहुत सारे पैचेस भी आ जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पेपर स्टम को छोटे एरियाज़ में ही यूज़ करें, बड़ी स्किन पर आप स्मूथ टेक्स्चर अगर लाना चाहते हैं तो आपको टिश्यू पेपर का ही यूज़ करना चाहिए। तो आप फोटो में देख सकते हो कि जो फोरहेड है उस पर थोड़ी बहुत लाइनें भी हैं, वो एक्चुअली डिटेलिंग मैं इसके में बाद में करूँगा जब थोड़ा बहुत पोर्ट्रेट बन जाएगा, एंड में जाकर मैं डिटेलिंग करूँगा। अभी तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग रहती है लाइट के हिसाब से, अभी इसमें शेडिंग भी रहती है, बियर्ड भी रहती है, मुँह भी रहता है, तो पहले उनको कम्प्लीट करते हैं। तो बियर्ड के लिए मैं यूज़ करूँगा हर एक ग्रेड चारकोल पेंसिल का। वैसे ये इसकी जो बियर्ड है ये थोड़ी लाइट है, तो मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
तो गाइस जिस चीज़ का डर था वही हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा डार्क बियर्ड बन चुके हैं, तो अभी मैं थोड़ा जुगाड़ सा लगा के इसको ठीक करता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि बियर्ड बहुत ही अच्छी बन गई और मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, पता नहीं ऐसा कैसे हुआ। पर मैंने बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया, मैंने इसके ऊपर इरेज़र मारी, चारकोल तो वैसे पूरी अच्छी तरह इरेज होता भी नहीं है, तो इरेज़र मारी तो वो लाइट हो गया और उसके ऊपर मैंने 2B पेंसिल थोड़ी सी लगा दी और उससे ये बिल्कुल रियल लग रहा है फ़ोटो की तरह। हमारा जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बिल्कुल सेम लग रहा है फ़ोटो की तरह। तो एक्चुअली आज की इस वीडियो में बस इतना ही, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बाकी का हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जो कि कल आने वाली है, इसका पार्ट 2। तो यार आप लोग देख सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, और एक्चुअली अगर आप सोचो कि ऐसे क्यों है, तो मैं एक्चुअली फ़ोन के दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए ये मिरर दिख रहा है आपको। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने ब्लैक वीडियो की ड्राइंग बनाई है वो। सो गाइज ये है वो ब्लैक विडो की ड्राइंग और अभी इसमें से मेरे को खुशबू आ रहे होंगे, मैंने अभी इस पर फिक्सेटिव स्प्रे करा है, तो यार ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, ये मेरी आज तक की सबसे रियलिस्टिक ड्राइंग है। आई एम वेरी सॉरी कि मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन यार फिर मजबूरी भी होती है ना, तो अभी इसको रखते हैं साइड में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही वीडियोज़ बनाऊँ सो कमेंट डाउन बिलो। सो अब मिलते हैं इस ड्राइंग के नेक्स्ट पार्ट में, बाय।